वेलकम टू वंडर रोब्स। मैं गौसी अरशद। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन डिफरेंट टाइप्स की गाउन की। वो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट स्टाइल में मैं बनाई हूँ उसे। और वो एक स्लिम बॉडी के लिए मैंने बनाया है जो मीडियम साइज़ की है। वो चाहे तो प्लस साइज़ की औरतें भी पहन सकती हैं या किसी भी साइज़ की पहन सकती हैं। बस उसमें थोड़ा सा टिप्स है जो कटिंग में उसे देखना पड़ेगा और स्टिचिंग में उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और उसमें कलर कॉम्बिनेशन भी अलग अलग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह के डिफरेंट गाउन्स हैं। मैं उसके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी, उसकी कटिंग भी बताऊंगी। तो चलिए, पहली गाउन जो मैं बनाई हूँ वो ऑफ वाइट और ब्लू कलर में है। मैंने डिज़ाइनिंग की है, उस पर केप बनाई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और उसकी कटिंग भी बताती हूँ, उसमें कितने कपड़े लगे हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं उसकी केप दिखा रही हूँ आपको। आप ये देख सकते हैं उसकी केप। केप में काफी फ्लेयर है। ये भी फ्रॉक के तरीके से ये पूरी क्लियर है, ये डबल है। चलिए इसकी कटिंग बताती हूँ। इसे आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई वो ले सकते हैं। आप चाहें तो छोटा भी रख सकते हैं, आप चाहें इसमें अपने जितना भी मर्जी हो आप उतना लंबा केप रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके कमर का जो भी साइज है आप उसका 1/4 ले लीजिए। आप, मैं यहाँ पे 40 है तो मैं यहाँ पे 10 inches ली हूँ। 10 inches लेने से ये हाफ इंच सर्कल में कट जाएगा और ऊपर में मैं यहाँ पर 10 inches जहाँ तक आएगा मैं वहीं पर सर्कल बना लूँगी। आपका जहाँ तक आता आप भी वहीं तक ले लीजिए। और नीचे मैं 40 inches लूँगी और ऊपर का टॉप मैं 16 inches लूँगी, जो सिल के 15 inches हो जाएंगे। और ये 40 inches लूँगी तो ये नीचे भी सिलाई होके ये 38 inches आ जाएंगे। तो ये टोटल मिल के 43 inches हो जाएंगे, 43-44 inches। अगर आपको लेंथ बढ़ाना है तो आप इधर बढ़ा सकती हैं, आपकी जो भी मर्जी है। आप गाउन जिस लेंथ की रखेंगे उतनी इधर बढ़ा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लेंथ इधर बढ़ाएंगे तो इधर आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा, तो आपको 1 meter अलग से लेना होगा ऊपर का पार्ट बनाने के लिए। और अगर आप थोड़ी सी लेंथ छोटी लेते हैं तो आपका इसी में से 1 meter में से ये दोनों ऊपर का अपर पार्ट भी बन जाएगा और ये स्लीव्स भी बन जाएगी। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। काटी 40 inches हो गए, फिर ये 16 inches पर मैं काटी हूँ और ये 10 inches इसकी गोलाई है और ये 40 inches। तो आप ये देख सकते हैं इसे भी ठीक इसी तरीके से मिलाना होगा, मिला के करना होगा। इसकी फ्लेयर तो एक ही जैसा निकलता है। मैं आपको बताऊंगी कि इससे ये आप देख सकते हैं कि इसका फ्लेयर पूरा आ जाएगा। ये सिंगल हुआ, ये दोनों साइड से स्टिचेस होंगी। स्टिचेस होंगे लेने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये फुल फ्लेयर आ गया। और ये पहनने के बाद ये फुल राउंड बैठने पे या घूमने पे या फोटो लेने पे इस तरीके का फुल फ्लेयर आएगा। ये इतना हो गया और इसमें जो कपड़े जो साइड से निकले हैं उसी से ये अपर पार्ट बन जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं कि इस दोनों के बीच की जॉइंट है, तो जॉइंट है तो मैं इसको इस तरीके से ले सकती हूँ। ये मेरा 4 fold है। अगर ये डबल अरज है तो ये मैं पूरा लूँगी और अगर ये सिंगल अरज है ये यहीं तक आ रहा है तो मैं 16 inches देख के यहाँ जा रहा था मैं इसे यहाँ से कट कर। अगर सिंगल अरज है आपका ये इतना ही आ रहा है तो इसे कट करके निकाल लेना होगा। और डबल अरज है तो ये इतना होगा। तो अब आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके आप इसकी 2 piece आप लोअर के लिए अपर के लिए निकाल लेंगे और 2 piece आप स्लीव्स के लिए निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें ये 4 fold ये और ये
दो पीसेस से आपका अपर बॉडी निकल जाएगा और ये दो पीसेस से आपके स्लीव्स निकल जाएंगे। तो इसमें अगर आप जरा सा इसमें इस तरीके से ये सर्कल आप इसे इस तरीके से, ये टिप्स है जो आप कम कपड़े में बना सकते हैं, इसे आप ऐसे सर्कल है ये, या आप सीधा काट लीजिए और इसे इस तरीके से मोड़ के, ये भी सर्कल है, आप इसे भी इस तरीके से इसे कट कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कम कपड़े में आप कैसे बना पाएंगे। ये यहाँ से इस तरीके से इसमें स्टिच हो जाएगी, ये स्टिच हो गई। स्टिच होने के बाद, ये बनने के बाद ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ये टू फोल्ड हो गए। अब इसमें मैं ये जितने भी ये फोर फोल्ड पीसेज हो गए, इसमें मैं 3 इंचेस नेक के लिए लूँगी, 7 इंचेस लेती हूँ, ये 7 इंचेस होगा, ये 3 इंचेस होगा। अब जो ये बाजू कट करूँगी, ये 7 इंचेस यहाँ तक आते हैं, नीचे भी 7 इंचेस मैं लूँगी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आप जोड़ लगाए हैं, तो ये कट करके ये इसमें से इस तरीके से निकल जाएगा और ये जो लाइनिंग है ये आपकी सिलाई में चली जाएगी और ये बिल्कुल फ्रेश आपका निकल जाएगा। और यहाँ से आप ये नेक काट देंगे तो ये जोड़ आपका पूरा निकल जाएगा और आपका कम कपड़े में हो जाएगा। ये नेक हो गया, ये स्लीव्स हो गई, तो ये कपड़े, ये यहाँ पे तो जोड़ लगेगा नहीं, दो में लगेगा। और दो में लगने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मैं इसे जोड़ लगाई, वो इसको मैं इस तरीके से, ये पूरा ये बाजू निकल गया, ये नेक निकल गया। जब आप जोड़ लेंगे तो ये ऐसे ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इस तरीके से कट कर दिए, ये यहाँ से नेक कट होके निकल गई, ये हल्की सी यहाँ पे सिलाई आएगी, जो कि सिलाई में ये इतना मुड़ जाएगा और ये यहाँ पे हल्का सा आएगा एक पीस में, जो ज़रा सा यहाँ से ये पता नहीं चलेगा। तो आप ये आइडिया बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा आप, कम कपड़े में आपकी बहुत अच्छे से गाउन बनेगी और इस पर कैप रहेगा तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मैं 4 मीटर में बहुत लोगों की गाउन बनाई हूँ, मैं अपने बच्चों की बनाई हूँ, अपनी बनाई हूँ, अपनी सिस्टर की बनाई हूँ, उन सभी की मैं 4 मीटर में बनाई हूँ। ये हल्का सा जोड़ दे के ये बहुत अच्छी बनी है। इसी तरीके से आप ये जो दो बची है, आप अगर आप शॉर्ट स्लीव्स लेंगे तो आपकी इतने कपड़े में ये शॉर्ट स्लीव्स यहाँ से आराम से आपकी निकल जाएगी। आप शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग इधर से भी कर सकते हैं, जैसे आप 3 इंचेस यहाँ से लेंगे, यहाँ पर 2.5 इंचेस आप ले लिए, 2.5 इंचेस लेने के बाद आप यहाँ पे ये यहाँ तक आएगा, तो आप यहाँ से भी 2.5 इंचेस लिए तो आपको राउंड में कट करना पड़ेगा। तो राउंड में कट करने के लिए आपको स्लीव्स इधर से ले लेना होगा। तो ये आप देखें, ये आपकी आराम से इसमें से निकल गया और ये आप जहाँ तक आपको ये 4-5 इंचेस रखनी है स्लिप्स, आप इसे इस तरीके से ले लीजिए, तो ये आपकी स्लिप्स बिल्कुल फ्रेश आ गई। और अगर आपको स्लिप्स की लंबाई बढ़ानी है तो इसे भी आप यहाँ से फोल्ड करके जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद आप इसे इतनी लंबाई बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ से ये भी इतनी कट हो जाएगी और ये यहाँ से कट होगी, तो ये भी इस तरीके से कट हो के चली जाएगी। तो ये शॉर्ट स्लीव्स देखिए आप, ये आपकी स्लीव्स कितनी अच्छे से शॉर्ट में ये निकल रही है। कम कपड़े में कटिंग ये बहुत अच्छी से हो जाती है, हल्का सा मेहनत करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि आप ये कटिंग में से निकाली है, ये दो स्लीव्स आपकी होगी। अब इसमें आप आगे का ये बाजू कट कर लेंगे, ये आपकी स्लीव्स तैयार हो गई, ये आपकी अपर बॉडी तैयार हो गई, ये स्लीव्स है, ये अपर बॉडी है और ये फ्लेयर। इस तरीके से आपकी ये पूरी गाउन तैयार हो जाएगी और मैंने केप की भी कटिंग दिखा दी। अब मैं आपको बताऊंगी वो कटिंग बता दी मैं इसकी, तो इसमें मैं लीनन है, ये लीनन में मैं ये नेट, ये वर्क वाला नेट है, इससे मैं डिजाइनिंग की हूँ स्लीव्स में और पूरे फ्लेयर और नेक पे नहीं लगाई क्योंकि नेक के ऊपर केप रहेगा। और फ्लेयर भी आप देख सकते हैं कि नीचे घेर के फ्लेयर में भी मैं लगाई हूँ।
और ये स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल ये नेट अगर मिल जाता है आपको तो इसके जो राउंड यहाँ पे होगा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती इससे लगाने में। आप यहाँ पे सीधे सीधे लगा लें और यहाँ पे खींचेंगे तो खींच खींच के ये घेर में आपके आ जाएगा। पहले यहाँ पे लगता है, उसके बाद यहाँ पे लगता है। यहाँ पे आप खींच के लगा लें, यहाँ पे आप हल्के हाथ से लगा लें, अगर स्ट्रेचेबल है तो वो बिल्कुल फिट आ जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी फिनिशिंग है, ये पूरी फ्लेयर आएगी। और इसमें मैं दो तरीके से करी, जो कम कपड़े में हो गया कि ये हाफ डिजाइनर ये नेट है और इसमें हाफ प्लेन था, तो मैं आगे जो है ये डिजाइन दी और पीछे मैं इसकी प्लेन नेट दी। इसके डिजाइन में आगे में दे दी और हाफ में पीछे में दे दी, क्योंकि इसकी फ्लेयर में काफी लंबा लगता है। कटने के बाद इसकी राउंड में घेर बहुत ज्यादा आता है, इसमें 8-10 मीटर लगता है, तो इसलिए मैं आगे का इसमें लगा दी और हाफ। अरगंडी वाला कपड़ा मैं 4 मीटर ली, वो भी वो सिंगल अरस था, लेकिन वो हो गया, उसकी अरस थोड़ी सी 44 इंच का पना था। सिंपल जो सिंगल अरस होता है वो 40 इंच का होता है और जो कोई कोई पना होता है वो 44 इंच का होता है, तो 44 इंच वाले में भी आपको काफ़ी कपड़े निकल जाते हैं। तो ये अरगंडी मैं 4 मीटर ली और उसकी मैं जो लाइनिंग ली वो मैं 3 मीटर ली। 3 मीटर में उसके काफ़ी अंदर उतने घेर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप 3 मीटर में भी कर सकते हैं, 2.5 में भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 3 मीटर लगाई और ये जो इसका फ्लेयर है, ये अर्गंडी है, ये काफ़ी फूली फूली फ्लिपी रहती है, आप इसे देख सकती हैं। और इसके पीछे मैं ये स्ट्रिप लगाई, अर्गंडी फिटिंग नहीं होगी इसलिए मैं इसके पीछे स्ट्रिप लगाई हूँ। ये सिंपल बनाई हूँ, ये पहनने पर बहुत अच्छी लगती है। और इस पे आप 2-3 कलर के मल्टी कलर के, ये प्लेन है, लाइट कलर है, उससे डीप कलर में हल्का सा वर्क है, तो आप इस पे 2-3 कलर के दुपट्टे मैच कर सकते हैं। इस पे लाल दुपट्टे को भी मैचिंग कर सकते हैं, उस पर बहुत खूबसूरत लग रही है। काले दुपट्टे पे आप देख सकते हैं कि ये ओढ़ने पे भी बहुत अच्छी लग रही है, और ग्रीन कलर के दुपट्टे पर भी ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो एक कलर की अगर आप गाउन बनाते हैं तो उसमें मल्टी कलर के दुपट्टे के साथ अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। बॉडी के लिए और ये 3 मीटर है, 3 मीटर में इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। सिंपल कट इसकी सिलाई है, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और आपको जितनी लेंथ लेनी है उतनी लेंथ आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसे 2-2 इंचेस पे या 3-3 इंचेस पे आप या 2.5 इंचेस पे आप एक मार्क कीजिए। मार्क करके आप इस तरीके से आप प्लेट बैठा सकते हैं, एक प्लेट इधर से आएगी और एक प्लेट इधर से आएगी, इस तरीके से ये प्लेट होगी। ये 2-2 इंचेस पे आप मार्क करेंगे और इस तरीके से सारी प्लेटें आएंगी, ये घेर ऐसे ही बनेगा। इस तरीके से एक प्लेट आई और दूसरी प्लेट इस तरीके से आएगी। उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी। और ये जो यहाँ 1 मीटर है इसमें बॉडी और स्लीव्स निकलेगी, क्योंकि इसमें ये सीधी कटिंग है, इसमें कुछ नहीं होगा। ये जो 1 मीटर है इसमें ये फोल्ड हो गया, ये हाफ में से बॉडी निकलेगी और 2 में से स्लीव्स निकलेगी। ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कटिंग बॉडी की और स्लीव्स की। अब मैं आपको गाउन दिखाती हूँ कि उसकी मैंने डिज़ाइनिंग कैसे की। ये येलो कलर में गाउन है, ये मोटा लिनन है, इसमें मैंने ये प्लेटेड बैठाई है
तरीके से मैं आपको बताएंगे, वैसे एक प्लेट इधर से, एक प्लेट इधर से लेके ये इस तरीके से मैं बताई। ऊपर बॉडी 1 मीटर में मैं बनाई हूँ और इसमें मैं आपको डिजाइनिंग दिखाती हूँ कि ये शर्ट वाला डिजाइनिंग है। ये पलट के यहाँ से इसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई की हूँ और एक पट्टी लगाई हूँ और उस पर एक ये मैं ब्लू कलर का छोटा सा ये बटन लगाई हूँ, जिससे ये बहुत ही स्टाइलिश स्लीव्स लग रही है। और इसी तरीके से मैं इसका राउंड कॉर्नर निकलाना बनाई हूँ और इसमें राउंड कॉर्नर में मैं आगे से नेक खोली हूँ, ये नेक बनाई हूँ पट्टी वाला और इस पर मैं छोटे 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 बटन लगाए। ये पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लगती है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कटिंग स्टिचिंग सब कुछ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू।